ईद मुबारक गेम सेट मैच में खुश आमदीद। और आज हम कहाँ आए हुए हैं अदील, ये तो सबके लिए सरप्राइज होना चाहिए कि आज हम ईद के पहले दिन कहाँ आए हुए और किसके साथ हमने मनानी है आज की ईद। एब्सोल्युटली ईद मुबारक। पहले तो आप सबको थोड़ा सा आपके सरप्राइज को कुछ सेकंड के लिए और कायम रखते हैं, बेल बजाते हैं, देखते हैं कौन निकलता है दरवाजे से। चलें जी सवेरा आ जाए। जो लोग बहुत बड़े फैन होंगे उनको घर का भी पता होगा कि कौन सा घर है। अपने दिलों को थाम के बैठिए, इंतजार कीजिए किसके घर आए हैं, किसके साथ गेम सेट मैच की पूरी टीम जो है वो ईद मनाने वाली है। सो लाला हैं और लाला यू गो, ईद मुबारक लाला, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पूरे एक महीने के बाद जो है वो लाला से बात हो रही है। रमजान क्रिकेट हो भी नहीं रही ना यार, शो भी नहीं चल रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा रमजान गुजारने के बाद, बहुत माशाल्लाह ईद और अच्छी हवा कराची की, साहिली हवा। बहुत बहुत मुबारकबाद लाला, खुश रहो बहुत बहुत। तो आज हम शाहिद अफरीदी लाला के घर मौजूद है यहाँ पे गेम सेट मैच का। ये बहुत ही स्पेशल पहले मेहमान ईद के दिन। ये सरप्राइज था आप लोग सबके लिए कि हमने यहाँ आना था लाला के घर पे, कि सिर्फ गेम सेट मैच की टीम यहाँ पे ईद नहीं मनाए, आप लोग सब भी हमारे साथ मिलके जो है वो ईद मना सके। तो लाला, ईद का पहला दिन कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन होता है? मतलब हमने तो आके मुझे लगता है आपको सुबह सुबह जगा दिया। अच्छा, सवेरा होता ये है ना कि आप रमज़ान की वजह से, हम कराची वालों की रूटीन ये है कि सहरी के बाद सोने की आदत हो जाती है, और जब आप उठते हो तो आराम से फिर 2-2.5 बजे उठते हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा होता है कि रूटीन से आप आउट हो के चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि नमाज वमाज पढ़ के आके फिर फैमिली बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। दैन फिर यहाँ पर ज़्यादातर जो दावतें हैं वो शाम के बाद, फैमिली भाई वगैरह बहनें वगैरह आ गई मगरिब के बाद, ईशा के बाद, दैन कोई बारबेक्यू शारबेक्यू किया, गपशप लगाई आपस में, इसी तरह गुजर जाता है। तो वैसे इसके अलावा जो एक तैयारियों का सिलसिला रमज़ान के आखिरी अशरे में जो ईद का हो जाता है, तो उसमें घर वालों के साथ कुछ लाला इन्वॉल्व होते हैं या ये तुम्हारे पैसे जाओ तैयारी करो? अच्छा, एक बात मैं बताऊँ, वैसे क्योंकि ऐसे कुछ स्पेशल तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा कि स्पेशल तैयारी होती है, क्योंकि आखिरी दिन भी रमज़ान के चल रहे होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट दिन, बहुत ही आखिरी अशरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करते हैं घर पर ही रहते हैं, और जहाँ तक लेडीज़ का ताल्लुक है तो उनकी तो हर दिन ईद होती है, हर दिन शॉपिंग का दिन होता है इनका, तो तकरीबन तो ये कोई स्पेशल दिन नहीं है इनका। ईद तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि रोशनी रंग दुनिया में होती है ख्वातीन की वजह से। बट लाला, शाहिद खान आफरीदी बनने से पहले की ईद और शाहिद खान आफरीदी बनने के बाद की ईद, कितना फर्क, कोई फर्क आया उस ईद में? और आसमान जमीन बहुत फर्क। पहले ये था, मतलब क्या हम छोटे से शाहिद आफरीदी की तरफ पहले जाते हैं कि क्या होता था पहले? अच्छा, होता ये था सवेरा कि वो वाले साहब के साथ पहले तो रात को गए, सूट वूट अब्बा ने कपड़े लेके दिए, सिलाई करा के ज़बरदस्त, अब्बा ये चाहिए, कलर चाहिए, वो करा लिए। एंड देन पे सुबह सुबह जानेमाज़े पकड़ के यूं करके मस्जिदों की तरफ जाना, ईद गाँव की तरफ जाना, नमाज़ पढ़ के वापस आके फिर, एंड देन वो सवैयाँ और पराठे शराठे जो भी सुबह का नाश्ता, उसके बाद फिर मोहल्ले में हर घर के अंदर जाना, जहाँ कभी भी नहीं गए होगे वहाँ पे भी जाते हो, तो उस दौर में 5 रुपये मिल जाने या 3 रुपये मिल जाने, बहुत बड़ी ईदियाँ होती थी। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इस तरह दिन गुजरता था पूरा दिन, 12-1 बजे तक हम लोगों के घरों पे जाना आना जाना, रिश्तेदार दोस्त वगैरह, तो बहुत सारी ईदी जमा हो जाती थी। ईदी जमा होने के बाद फिर मोहल्ले के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की पटाखे भी ले लेते थे, चिप्स चॉकलेट वगैरह हर किस्म की चीज़ें उस पैसों को लगाते थे। लेकिन अब जारी बात है, फिर आप वक्त बदल जाता है, बच्चे हो जाते हैं, एंड देन फिर बच्चों की ईद ज़्यादा होती है, हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं बच्चे। और ईद की बहुत बड़ी खुशी लाला, वैसे ईदी का सिलसिला होता है तो वो तो आप तो लेने पहुँच जाते थे, अब जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या कोई उनका ईदी का हिसाब है या बेटा बटवा रखा हुआ है जो लेना है ले लो? ज़रूरत के हिसाब से, वैसे तो रोज़ ही तो होती है इनकी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है इनको, तो मेरे ख्याल में ईद एक स्पेशल होता है कि आप खुशी से देते हो, वो उसका एक अलग फीलिंग है। मैं चाहता हूँ वो जो एहसास हैं, वो जो हमने इंजॉय किया जिस चीज़ को, मैं चाहता हूँ वो हमारे बच्चे भी इंजॉय करें। आपको मिलती है अभी तक ईदी? मतलब मैं ऑब्वियसली आपके फादर का तो मुझे पता है, आप जितना अटैच थे उनके साथ, वो ये जो मौके होते हैं ना, मतलब जितने साल भी गुजर जाए माँ बाप के, आपको ये जो मौके हैं ना इन पर बहुत याद आते हैं, तो अब आपको कौन ईदी देता है? अच्छा नहीं, ईदी अब देने वाली उम्र तो गई हमारी, लेने वाली उम्र गई, अब देते हैं, अब बस बच्चों को देते हैं जो भी आ जाए बच्चे। कोई भी एक बुजुर्ग तो होता है ना कोई घर का ऐसा कि नहीं जी वो अभी भी, चाहे वो 10 रुपए दे रहे हो बट देते हैं। चेंज हो गया, वो चीज़ें नहीं रही हैं अब, वो नहीं है, नहीं ख़त्म, वो पेरेंट्स ही करते थे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहे तो फिर तो
तो लाला इतना माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आपने दौरे किए, और ज़ाहिर है एक क्रिकेटर के लिए रमज़ान में भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, कितनी सारी ईदें आपने बकरीद पाकिस्तान से बाहर गुजारी होंगी। सो जब बाहर होते थे और स्टार बन चुके हैं लाला ना, आप वो घरों में जाके ईदी लेनी नहीं है, तो घर मिस करते थे जब बाकी कोई मशहूर ऐसी यादगार ईद आपने जो गुजारी हो, बाहर गुजारी हो, आप कहें यार वो मज़ा आया। यार दिल में बताऊँ कि घर के बगैर फैमिली के बगैर क्या ईद होगी यार, मुझे ये बताएं। ज़्यादा अगर टीम टूर भी होता था हमारा तो नमाज पढ़ के वापस कमरों में प्लेयर्स के साथ बैठ गए, लंच कर लिया या ब्रेकफास्ट पे सीधा बुफे पे चले गए, होटल्स वगैरह में होते थे। तो फैमिली के बगैर नहीं है, ना माँ बाप के बगैर, ना बेगम बच्चों के बगैर ईद मैं नहीं समझ रही कोई ईद है। जैसे अदील ने भी बात की कि बाहर अपने घर के अलावा जब ईद मनाने का मौका मिला, फिर भी पाकिस्तान टीम जब भी जहाँ ट्रैवल करती है ईद की नमाज पढ़ के सब सारे प्लेयर्स निकल कर आते हैं, कोई खास ऐसा वाकया, कोई किसी को कोई ईदी किसी को देना, या कोई अपनी कंजूसी की वजह से मशहूर तो उससे ईदी निकलवाना, कोई टीम में कभी कोई पाकिस्तान टीम में ऐसा वाकया हुआ? अच्छा कोई ऐसे खास वाकयात ज्यादातर तो वो हैं जो सुनाए नहीं जा सकते। अच्छा ये बड़े ऐसे वाकये हैं। बड़े ऐसे वाकयात और बस सवेरा होता यही था कि नमाज पढ़ने चले गए सारे, वापस आए, ईद मिली एंड देन फिर आपस में नाश्ते वाश्ते कर लिए। कोई ऐसे बड़े नहीं थे कि बड़ापन दिखाते कोई मैनेजमेंट की तरफ से कि हर एक को कोई $50 या जो भी वॉट एवर ईद ही देते हुए, वो नहीं था। कभी भी नहीं हुआ? नहीं कभी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ईदी नहीं मिलती कभी? नहीं मुझे तो याद नहीं है कि कभी हमें ईदी मिला। हाँ ये है कि डेली अलाउंस का पता था कि डेली अलाउंस मिलता था, ईदी नहीं मिली, ईदी कभी नहीं मिली। ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज होना चाहिए, जो मैनेजमेंट के हवाले होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी एक अलग खुशी है। खैर कभी कोई सीनियर खिलाड़ी भी दे दें, कभी कोई बड़ा वसीम अकरम कह दें लो शायद तुम मेरे छोटे भाई, मेरी तरफ से लो ईदी तुम्हारे लिए, क्या दे सीनियर होते ही है। वैसे मुझे नहीं पता ये हमारा कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, माहौल बना हुआ है इस वक्त यहाँ पे, वो भाई सारी लाइमलाइट छीन के ना वो मोर कह रहा है सर मुझे देखना, कोई पता ईद का देना ये जो है ना ये रुक ही नहीं रहा। बट लाला ठीक है आपकी शादी को भी काफी टाइम हो गया, बट याद है पहली ईदी ससुराल से क्या आई थी? ससुराल से कहाँ ईदी आती है, उनको तो दी जाती है। अच्छा आती है? आप लोगों की आप उर्दू स्पीकिंग में होता है, हमारे पठानों में नहीं होता। पठानों में ये बहुत होता है, सारा बर्डन दूल्हा पे होता है। अच्छा हमारे पठानों में नहीं ये चीज। फिर जब ईदी का कोई ट्रेंड नहीं है, शाहीन को कोई ईदी गई? शाहीन को मेरे ख्याल में दी होगी या भिजवा रहे होंगे, मुझे अपने खुद पर्सनली नहीं पता, लेकिन क्या पता आजकल के बच्चे तो आप लोगों को पता है ना, खुद ही मैनेज कर जाते हैं चीज़ों को। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कराची में रहते रहते उर्दू स्पीकिंग हो गए हो, ये वाला कल्चर डेवलप हो गया हो ये वाला? अच्छा कुछ माहौल से बड़ा असर होता है, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो आप लोगों की तरफ से ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तोहफे तोहफ़ होने चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कर रहे हैं आपस में, बच्चे इतने बड़े हो गए माशाल्लाह, अब तो बच्चे हमें कहते हैं कि बाबा आपको नहीं पता। एग्जैक्टली ये तो ये बिल्कुल ऐसे है। ईदी से सबसे पहले क्या ख्वाहिश होती थी खरीदने की, जाके होता है ना दुकान पे सबसे पहले जाके जी आज मैं पेप्सी की पूरी बॉटल पीऊंगा, वरना तो छोटे होते थे तो शेयर करके पीते थे दोस्त सारे, इस तरह कोई सवेरा अगर इस तरह अगर जमा होते थे ना तो हमारे मोहल्ले में एक होता था बड़ा जबरदस्त अंडे वाला बर्गर मिला करता था, उस वक्त था वो मेरे ख्याल में कोई 3 रुपए का था, फिर बाद में महंगा हो गया था, लेकिन बहुत ही स्पेशल बनाता था वो, बहुत ही स्पेशल। वो शादाब वाला एरिया, शादाब वाला एरिया, जब हम वहाँ पे टेबल या शाम की प्रैक्टिस खत्म करके ना हम थोड़े थोड़े 1-1 रुपए करके जमा करके ना वो बर्गर खाते थे, शाम को भूख बड़ी लगी हुई होती थी तो वो फेवरेट होता था। इसके अलावा जो आप कोला की बात कर रहे हैं, कोला हो गए, च्युइंगम्स हो गए, टॉफीज हो गए, इस तरह की चीजें जेब भरे हुए होते थे और यूं मोहल्ले में भागे होते थे। सवेरा को पता नहीं पर शादाब की गुलाब जामुन जो है ना वहाँ की वो बड़ी मशहूर होती है, और वो फ्रेश आप लें तो अलग ही बात है, वो शीरे में डिप हुई हुई एंड ऑल वाली बात हो रही है, भूख लगना शुरू हो गई है ये ईद के दिन पे। ठीक है फिर अंदर चलते हैं, मगर आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, पर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा हम पेट पूजा करेंगे और जो है फैमिली से भी मिलेंगे लाला के। वेलकम बैक, और अब हम आ चुके हैं घर के अंदर, और जब ईद हो और फैमिली साथ ना हो तो मजा कैसे आएगा।
सो फैमिली यहाँ मौजूद है लाला की, और मतलब खुशी मुझे हो रही है देख के कि कैसे रंग बिखरे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो रंग होते हैं वो हमसे होते हैं, वो हमसे होते हैं। सो लाला ये तो रंग तो हमसे ही बिखरे हुए हैं, और लाला की बेटियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो ईद मुबारक आप लोग सबको। ईद की तो हम खुशियाँ मना ही रहे हैं, मगर सबसे पहला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बाबा कितनी ईदी देते हैं आप लोगों को? बाबा बोलते हैं कि दूंगा लेकिन फिर नहीं देते। बाहर आपके बाबा ने कुछ और बोला था, पता है आपको? हमसे कंसिस्टेंसी चेक के लिए सवाल पूछा था। वो देते वैसे जब मांगे तो फिर मिल जाती है, वो तो वैसे ही मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं कि वो जो लिफाफे में होता है ना, लो बेटा तुम्हारी ईदी, तुम्हारी ईदी वाला सीन, वो नहीं होती। बस वो कभी भी मांग लिया तो फिर बाबा ने बोला ये लो जाओ। अम्मी वालिद वालदा अम्मी मामा बाबा, क्या मामा बाबा बोलते हैं? मम्मा बाबा। तो उनका अलग अलग हिसाब होता है या मामा कहती है नहीं तुम्हारे बाबा ने दे तो दी? बाबा ने दे दी। बाबा ने दे दी। अच्छा, अरवा को कितनी ईदी मिलती है? अरवा आंटी ये तो हमारा पैसे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम कविता। ये सबकी अम्मी है। सो जिस तरह हम जब बात करते हैं फैमिली की, और स्पेशली जो बॉन्डिंग सिस्टर्स की आपस में होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी बहन किससे अटैच है ज़्यादा? मेरी इससे ज़्यादा है। और तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन, वो तो ये होती है छोटी माँ वाली चीज़ हो जाती है ना, एक बिल्कुल वो वाली एक चीज़ हो जाती है। नहीं मेरी है, बस है सबसे थोड़ी थोड़ी है, अरवा से ज़्यादा है। अरवा से ज़्यादा है, वरना लड़ाई किस किस की सबसे ज़्यादा होती है? और किस वक्त नहीं होती, ये भी एक होता है, ये भी एक है बड़ा चैलेंज। किस किस की लड़ाई ज्यादा? लड़ाई आई थिंक छोटी वाली सबसे ज्यादा, नो आई मीन द सेकंड लास्ट, या वो सबसे ज्यादा। ऐसे एक्सप्रेशन उसका आप चेक करें जैसे मुझे कहा बीच में लाके खड़ा कर दिया, नोट कर रही है कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है। अभी हम इनका भी, अभी इनसे भी बात करेंगे, हम चेक करेंगे, बाद में बदले होंगे सारे हैं। अच्छा मगर क्या, जैसे मेरी बहनों के साथ मेरा जो लड़ाई का मौजू होता था ना, मैं उनके कपड़े छुपके से पहन लेती थी, बिकॉज मैं शलवार कमीज ज्यादा नहीं पहनती थी। जब शलवार कमीज पहननी होती थी उनके कपड़े चुरा के पहन लेती थी। आप लोग की लड़ाई का एक मेन टॉपिक, एक मेन चीज होती होगी ना? आई थिंक मेरी इसके साथ इसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, या तो यू नो कपड़े वगैरह वो नहीं शेयर करने देती। लेकिन वैसे एक बात, क्योंकि मेरी भी दो बहनें थी जिनकी एज में 4 साल का डिफरेंस था, अगर आपकी बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती है घर में, और ये बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता है दोनों का। और अगर वो आपकी बेस्ट फो बन जाए तो उससे खौफनाक कोई और चीज़ नहीं होती है। वैसे एक बात बताएं, लाइक हम ये अज्यूम करते हैं ना कि शाहिद खान आफरीदी के घर में हर वक्त क्रिकेट का माहौल और ये सारी चीज़ें, लाला का घर में वैसे क्रिकेट पे बातचीत वगैरह हो रही होती है, या हाँ सुना है कोई मैच चल रहा है लाहौर कलंदर्स का, सुना है इस तरह कुछ होता है? मैं पर्सनली इतनी बड़ी कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, बट ये लोग थोड़ा करते हैं क्रिकेट के बारे में, ये लोग इनकी बातचीत होती है, मैं पर्सनली इतना नहीं। ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट को अक्सर बहुत पसंद करती है क्रिकेट को, और खासतौर पर पाकिस्तान के मैचेस इतनी नहीं जितने PSL को इंजॉय करते हैं ये बच्चे सारे। अच्छा फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। काम तो उसके कोई अच्छे नहीं थे, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के नहीं थे क्वेटा के। बाबा ने आखिरी वहीं से खेला है ना? हाँ जी कराची किंग्स। सीरियसली? नहीं सीरियसली अच्छे काम नहीं कर रहा, ये बहुत ज्यादा शौक उसके भी, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी कराची किंग्स ना, क्वेटा की ना कराची। इस PSL के बाद भी ऐसे ही है, हैरानी की बात है। अच्छा अच्छों ने साथ छोड़ दिया आपको? हाँ देख ले, आपके बाबा से पूछे ना हम किस तरह शो करते थे कराची किंग्स के मैचेस के बाद, क्वेटा कराची दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो कोई प्ले ऑफ वाली पसंद है किसी को टीम जो प्ले ऑफ की खेलती है? है पेशावर बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब वो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो अच्छा खेलती है, चल जाती। लाहौर ने इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया नो डाउट, और हाँ बस ऐसी टीम बदल रही होती है, जब बाबा लोग नहीं क्वालिफाई करते फिर हमारी टीम बदल जाती है। तो कभी कहा नहीं बाबा को, बाबा एक ही फ्रेंचाइज रहेगी तो उससे भी खेल लेते? मैंने बोला है कि कोचिंग की तरफ आप जा सकते हैं किसी भी उसमें, तो कोई बात नहीं, एक अगला स्टेप भी तो होता है वो मेंटोर का, कोच का, वो करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे घर में ईद में जाहिर है माशाल्लाह, एक तो आप लोगों ने थैंक यू सो मच कि आपने जी ये तमाम हम लोगों के लिए किया, बहुत शुक्रिया। अभी हम इसको इंजॉय करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन वैसे कुकिंग वगैरह घर में आप लोग करती हैं, कोई किसी को है शौक कुकिंग का या नहीं? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कभी कभी वन लाइक बहुत ज़्यादा बोर होते हैं फ्री होती हैं तो मैं चली जाती हूँ किचन में बट वैसे शौक नहीं या मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ खाने का शौक है सिर्फ खाने का नहीं मुझे हाँ एक्चुअली मैं नहीं है ईद का रूटीन क्या होता है वैसे क्या किस तरह शुरू होता है ईद का दिन क्योंकि ऑब्वियसली रात को मेहंदियाँ लग रही होती हैं वो इस दफ़ा नहीं हो सका बट वैसे ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा होता है कि जी लेट नाइट सोते हैं फिर उठने में फिर जी सुबह जल्दी जल्दी उठना होता है कि नमाज पढ़नी है और क्या क्या रूटीन होता है रूटीन यही होती है कि क्योंकि मेरे कज़न वगैरह यहाँ पे नहीं होते हम लोग सिर्फ अपने होते हैं तो फिर ये होता है कि हम लोग शाम टाइम का एक्चुअली वेट करते हैं ज़्यादा शाम में फिर सारे कज़न होते हैं गेट टुगेदर होता है प्रॉपर वाला तो फिर जाके हम ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और अभी तो ईद ईद नहीं रही क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है ईद के सेकेंड डे पर तो बस अब यही है देखते हैं क्या चलता है एक तो ये जो एग्जाम्स है ना ये बड़ा खतरनाक टाइम फ्रेम पे पता नहीं हर बच्चे वो वहाँ बैठे हुए हमारे टाइम टेबल बनाते हैं अंग्रेज वहाँ बैठे हुए देखते ही नहीं है ईद आ रही है यहाँ पे हमारे घर में भी हमारे घर में ये इशू चल रहा है यार ये तो ईद के पहला चीज ही ये आई कि डेट एंड टाइम डॉट कॉम में निकाला कि ये एग्जाम्स ईद में तो नहीं आ रहे और काफी सारे बच्चों के आए हैं इसको काफी प्रॉब्लम्स है चाहती 6 महीने सिर्फ स्कूल्स हों कॉलेजेस हों बाकी 6 महीने सिर्फ छुट्टी घूमना फिर इसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है बहुत घूमने फिरने का दुनिया घूमने का बहुत शौक है कौन सी फेवरेट जगह कौन सी है दुनिया में जो देखी है मैं अच्छा मैं दुबई में पूरी जिंदगी रह सकती हूँ अच्छा मैं रह सकती हूँ शॉपिंग का शौक है लगता है शॉपिंग नहीं शादी नहीं करा दूंगा मैं ये कहना चाहती हूँ रिश्ता वहाँ ढूंढ ले नहीं 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 मुझे वहाँ पे एक्चुअली चीज़ें वगैरह देखने का बहुत शौक है वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी नई नई चीज़ें बहुत ज्यादा लेकिन दुबई में तो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं गुजार सकते मैं गुजार सकती हूं। दोस्तों वाली जगह मटेरियलिस्टिक इतनी मटेरियलिस्टिक जगह है दुबई आई रिमेम्बर आप लोग फैमिली टर्की गए हुए थे कुछ टाइम पहले टर्की कैसा लगा था अच्छा टर्की प्यारी जगह आई लाइक टर्की एंड जब भी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट प्लान आई गेस टर्की का ही है या पहले से पक्का कर रही है सारे प्लान शादियों के बाद और पक्का कर रही है शादियों के बाद सारे प्लान है तो टर्की का तो वैसे खाना मैं जब गया था ना मुझे सबसे ज्यादा मजा वहाँ का खाना आया था बहुत लाइट खाना और बड़ा वेट लूज करके आता है इंसान वहाँ जाके बारबेक्यू ज्यादा है वहाँ बारबेक्यू खाने मजेदार तो मसाले भी जरा कम होते हैं तो बिल्कुल ऐसी और आप लोगों के यहाँ जरा मसाले वैसे भी कम डलते हैं ना हमारे पठानों में नहीं नहीं मसाले बहुत कम इधर ज्यादा डलते हैं आप लोगों के तो आपको पता है मसालों में खाना बनता है बट क्या ईद का वो एक खास वो बड़ा वाला मील जो होता है वो क्या होता है वो रोश बनता है या क्या हमारा सवेरे ज्यादातर बारबेक्यू ही करते हैं उसके अंदर ये है कि फिर चॉप्स वगैरह और आपके तिक्के शिक्के हो गए एंड देन फिर पिलाओ अफवानी पिलाओ अफवानी पिलाओ के इर्द गिर्द बस सारे बैठ जाते हैं और एक लाल वाली चटनी अगर आपको पता है लाल चटनी डाल के एंड देन फिर उसको मैं लाला ये सोच रहा हूँ कि ईद उल फितर पे ये हाल है तो बकरीद में आप लोग क्या करते होंगे पूरा ऊँट ला के कहीं आ गया जी बागीचे में चलो जी आ जाओ हमारे पठानों में ना ये गोश्तखोर ज्यादा है हम लोग शौक से खाते हैं लेकिन आप गोश्त खाओ लेकिन आप उन एरियाज में ज्यादा खाओ कि जिनका पानी वो गोश्त डाइजेस्ट कर सके अब कराची के अंदर गोश्त को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ का पानी वो चीज नहीं है जो हमें वहाँ पे पानी मिलता है पानी इतना हैवी है कि बहुत हैवी है बहुत तो आप लोगों का कभी अपने गांव में ईद मनाने का हुआ इत्तेफाक कराची के अलावा भी नहीं हम गांव में नहीं मनाते अभी तक हमने नहीं मनाई अभी तक नहीं मनाया दिल नहीं चाहता कभी फरमाइश भी नहीं की मैं गई थी एक दफ़ा गांव में मनाने वो मेरे नाना के टाइम पे फिर बस वो उनके बाद कभी नहीं गई उनमें मज़ा नहीं आया फिर मज़ा नहीं आया वो भी ईद थी क्योंकि वहाँ पे ईद और यहाँ की ईद में बहुत फ़र्क होता है क्या होता है वहाँ की अब गांव में होते हो ना तो वहाँ पे लड़कियों का ये होता है कि लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती लड़कियाँ ये नहीं कर सकती यहाँ पे अलहमदुल्ला बाबा हैं जरा अच्छे जरा जाते हो मार्जिन रख के बोला जरा जाते हैं वहाँ पे वहाँ पर जाते हैं बाहर जाते हैं लेकिन उस तरह हमें माहौल नहीं मिलता ना जहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे दोस्त होते हैं और सारे कजन होते हैं मिलना मिलाना वगैरह वहाँ तो बस घर के अंदर रहो नहीं आप निकलते हो घूमते पहाड़ों पे नहीं लेके जाता मैं आपको हाइकिंग नहीं कराता मैं आपको वो तो अपना मजा नहीं मुझे गांव वैसे पर्सनली बहुत पसंद है अगर मौसम अच्छा हो हाँ मुझे बहुत पसंद है वहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ पे रहना सुकून थोड़ा फोन ऑफ खाना पीना वाईफाई काम ना कर रहा हो काम करना कभी कभी चाहिए हो बड़ी ब्लेसिंग होती है डिटॉक्स जरूरी होता है ये मेरी हर संडे को करती हूं नहीं आपके आपके बाबा को हर संडे को करती हूं टेक्नोलॉजी डिटॉक्स पूरा दिन नहीं लेकिन कोशिश करती हूं ये आई ना बात पे मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम होता है नहीं 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 2-3 घंटे कर लेती हूं मैं हर संडे को चाहिए होते हैं नहीं आपके आपके बाबा को अभी ना हमने रमजान से पहले एक प्रोग्राम में लिया था ये गांव में ही बैठे हुए गुड़ खा रहे थे वहां पे हमें याद है वो लाला याद है ना
अच्छा ये क्या ये घर में भी ऐसी खामोश रहती हैं क्या ये? काश। अच्छा मुझे तो लग रहा बिल्कुल नहीं, आप नहीं बोलती हैं बिल्कुल भी ऐसे। देखें वो बाबा को देख रही है हेल्प के लिए, बाबा प्लीज हेल्प मी। हाँ या कैमरा, आप कैमरा अपनी ईद कैसे मनाती हो? अच्छा सिर्फ आप अकेले, आपकी क्या तैयारी होती है बताओ? बनिशे का बताओ क्या ईद कैसे गुजारते हैं आप बताएं, आपने क्या किया खाने के अलावा? ऐसे ही कजिन्स के घर जाते हैं, कजिन्स के साथ कभी कभार एंजॉय करते हैं। और ये ज़्यादातर जितनी भी मेरी बेटियाँ हैं, हमारे मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, भाइयों के बच्चे बहनों के बच्चे, तो वो उस माहौल में पसंद करते हैं रहना। हाँ उन सब के साथ पले बड़े हैं, छोटे होके बड़े हुए हैं, तो उनको एनवायरनमेंट पसंद है। और ये बड़ी खूबसूरत मेमोरीज हैं जो इंसान को, आई मीन यू कैरी इट ऑल द वे, आपको आखिर तक रहेंगे। अभी आपको अंदाजा नहीं है इस टाइम का कि कितना खूबसूरत टाइम आपकी जिंदगी का है। और ये रिश्ते जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिश्ते इनको लेके चलना, क्योंकि अब हर ज्यादातर हमें नजर आते हैं लोग अपने अपने लिए ज्यादा जिंदगी गुजारना शुरू हो गए, लेकिन ये रिश्ते जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इनको भी देते हैं ना माइक, तो अस्मारा 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 रोजे रखे? चार पाँच। तो रोजा कुशाई क्या वो प्रॉपर वाली हुई थी या बस चलो बेटा आज से तुम्हारा रोजा है? वो देख रही सच बताओ तो शॉक लग गया कोई। चलो रखो पूरे नहीं, नहीं रोजा कुशाई हुई थी पहला रोजा जब आपके रोजा रखने पे पहला रोजा रखने पे कोई सेलिब्रेशन हुई थी? सेलिब्रेशन हुई थी नहीं। आ जाओ पहले रोजा रखने में कोई सेलिब्रेशन? वैसे क्या शुरू कैसे किया था रोजा रखना, पहले पिछले साल कोई एक दाड़ का रोजा रखा या आधे दिन का रोजा रखा? लास्ट टाइम कितने रोजा रखे थे आपने? लास्ट ईयर एक ही। और इस बार आपने 3-4 रखे हैं? हाँ। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 10-12 रखेंगी आप। लेकिन ईद पूरी मना रही है ना? जबरदस्त, ठीक है। ईदी विधि जमा हो रही है यानी वेरी नाइस। ईदी का कुछ जब पैसे जमा हो जाते हैं तो किसी क्या खास काम में इस्तेमाल करती हैं या बस अम्मी को दे देती हैं? अम्मी ये ले। नहीं, अगर मम्मा को दूं वो छुपा देती हैं हमसे, और अगर मैं अपने पास रखूं तो मैं खर्च कर देती हैं, इसलिए मम्मा छुपा देती हैं आपसे। तो खर्च क्या करती हैं वैसे, खाती पीती हैं जाती हैं? तो मैं देख रहा था बड़ी आउटलेट्स अच्छी बनी हुई खाने पीने की करीब। हाँ इन लोग को कभी कभार ईदी जमा करेगी सारी और फिर देगी, तो अभी तो शुरुआत होगी सिलसिला उसकी। वैसे कितनी ईदी जमा कर लेती हूँ अभी तक? 1000। अच्छा अभी तो टाइम है ना, अभी तो शुरू हुआ है ना, मुझे कुछ भी नहीं दिया, अभी दिन शुरू हुआ है, अभी तो आगे आगे जैसे ही बढ़ेंगे, अभी रिकंसिलिएशन में तो बहुत अमाउंट निकला। लाला इसने बड़े नखरे उठवाए हैं आपसे, मैंने फील्ड पे बड़ा देखा है, इसने बहुत नखरे उठवाए हैं, मुझे बहुत जो है ना, हां बहुत, इसने मुझे घर से बाहर रहने नहीं दिया। ये पीएसएल के ग्राउंड में, मुझे दुबई में याद है, अब इसकी बारी है, ग्राउंड में जो है जाके कहती थी जूता लेस बांधो मेरी, इसकी वजह से लाला ने छोटी की वजह से क्रिकेट ही छोड़ दी। लाला ने कहा बस यार मैंने खेल ली बहुत, ऐसे ही। तो देखते हैं बाबा को मैच खेलते हुए देखती हैं फिर। अच्छा ये देखो ये अरवा अरवा बाबा आउट की भी हसेंगे कभी? नमक का कहना पूरा होगा। ये क्या बात है भाई, तैयार हो रही है जी? तैयार है, ठीक है, रेडी है, रेडी जबरदस्त। एक्स मैन सेलिब्रेशन तो अब वैसे आगे भी बढ़ती जा रही है। अच्छा आगे से आगे आफरीदी नाम के साथ हो गई है एक्स मैन, ये आगे से बढ़ रही है। फ्लाइंग किस वक्त? अच्छा लाला इन सब का तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेरी बहन की बेटी है, ये मरियम मेरी सिस्टर उसकी बेटी है। हेलो मरियम, कैसी हो आप? अस्सलाम वालेकुम बका, अस्सलाम वालेकुम भैया। आना लॉलीपॉप ना दे, लॉलीपॉप ना दे, माइक से मोह बचा है। ईद का माहौल है, ये भी कुछ खाने की चीज आई है मेरे पास समा से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और अब एक सबसे मुश्किल सवाल जो कि एक बाप से पूछना बहुत मुश्किल बात होती है, फेवरेट कौन सी है सबसे? अच्छा फेवरेट बहुत ही मुश्किल है, नहीं बहुत मुश्किल है, या तो जब पहली होती है सबसे बड़ी वाली, या जो सबसे आखिरी होती है,
और लेकिन फेवरेट कोई एक नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वैसे आई थिंक हमें इस बात का लाला को शुक्रिया करना चाहिए कि लाला यू ओपन योर डोर्स फॉर अस फॉर आवर प्रोग्राम। और बड़ी ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह करनी था, ये पहली दफा शायद ऐसा है कि हम सब ऐसे आप लोग सब ऐसे बैठे बहुत अच्छे 15-16-17 साल बाद कोई फैमिली गेस्ट इंटरव्यू। सो आप लोगों के लिए स्पेशली गेम सेट मैच के सारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली गेम सेट मैच की टीम जो है वो यहाँ साथ मिलकर बैठी है इसलिए क्योंकि सिर्फ हम नहीं लाला भी गेम सेट मैच का एक परमानेंट हिस्सा है और इस वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। बट अभी हम कहीं नहीं जा रहे, आप भी दूर नहीं जाइएगा ज़्यादा, एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे और चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकेंगे लाला के घर की। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। और जैसा आपको बताया था कि इतने मज़ेदार मुलाकात के बाद अब ये जो अगला एक स्टेप था वो था आपको और कुछ चीज़ें दिखाना, वो आप देखेंगे अभी। अब हम बेसमेंट में आ गए लाला के घर पे जहाँ पे सारी यादगार किट्स, वो जिससे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये पोर्शन तो देखा हुआ है लाला के घर, बट हम उन तस्वीरों या उन किट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कुछ और तस्वीरों के बारे में बात करेंगे। दूसरी तस्वीरें हैं जो कि आपको दिखाएंगे और आपको दिखा के जी बिल्कुल आपको तस्वीरों का सरप्राइज बड़ा खतरनाक होता है, वो खतरनाक कोई सरप्राइज नहीं। आजकल वैसे भी माहौल कुछ इस तरह का चल रहा है, कहीं कोई तस्वीर कोई वॉइस क्लिप आ गया कुछ इस तरह, लेकिन ये हम सब ने देखी नहीं है ये तस्वीरें। ये बड़ी मशहूर लाला के जो मशहूर इंसिडेंट्स हुए होंगे ऑन द फील्ड उसकी तस्वीरें हैं, ऑफ द फील्ड कुछ भी नहीं यकीन जानिए। लेकिन हम लाला से जरा ना उन मेमोरीज के हवाले से बात करेंगे, मजा आएगा आपको दूसरा पर्सपेक्टिव जो उसका बैकग्राउंड भी पता चलेगा। चलें जी तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सो लाला ये है सबसे पहली तस्वीर, ये मेरी और गौतम की जी। तो ये आप लोगों को पता तो फिर क्यों दिखा रहे हैं, सबको पता है कि मैंने क्या माशाल्लाह से एक दूसरे की तारीफ है। लाला वो बोल भी नहीं सकते जो यहाँ पे स्क्रीन पे टूट हो जाएगा भाई। ये मुझे पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा था और बस ये हो गया था, वो रनिंग करते हुए टच हो गया, मैं खड़ा हुआ था मुझसे आके टच हो गया, या वो मुझे नहीं देख रहा था मैं उसको नहीं देख रहा था, हो गया। लेकिन बस फिर उसके बाद हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, हीट ऑफ द मोमेंट में जो सब मैच के बाद फिर हो जाता है रफा हो जाता है। ठीक है ये तो मतलब फिर आमना सामना कभी हुआ तो कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं, कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि मैं इसके सामने से गुजरा, ये मेरे सामने मेरा मम्मी के कोई ऐसा वो उसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं मिला, बस वही था। ऐसा नहीं हुआ याद आया गौतम उस दिन एक गाली भूल गया था देना, ये ले नहीं उस दिन सिर्फ थप्पड़ बाकी था। अच्छा लाला अब ये तस्वीर, ये मैं और विकी भाई, ये विकी भाई के साथ मेरी इस तरह की तस्वीर है, कैमरामैन था नहीं होना हमेशा ही होती बहुत सारी होती, मैं विकी भाई को समझा कि विकी भाई अपने काम से काम रखे हैं अंदर कोच। अच्छा ये मेरा और बज्जी ये हमारा 2011 की मेरे ख्याल में तस्वीर नजर आ रही है वर्ल्ड कप की, और मुबारकबाद ही दे रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि हम जीता हुआ मैच था सेमीफाइनल और वो हारे, वो ऐसा मैच है कि भूल नहीं सकता, मैं एज अ कैप्टन था, हम भी नहीं भूल। लेकिन बज्जी के साथ बज्जी साहब की वैसे दोस्ती अच्छी है, बज्जी खुद भी लड़का भी बहुत अच्छा है, ये हो गए यूवी हो गए अच्छे लड़के हैं ये। फिर ये तस्वीर लाला ये अहमद शहजाद को जो है ना मैंने जगाया है, वैसे अहमद शहजाद से अटके लिए आपकी चलती रहती थी शुरू में बहुत साथ खेले छोटे भाइयों की तरह, और बड़ा एक होता ना कि टीम के अंदर कोई एक लड़का आपको जिससे दिल लग जाता है जिससे आप बहुत ज्यादा वो करते हो, तो ये था इसके साथ मज़ा आता था, टाइम अच्छा गुजरता था और ये खुद भी अच्छा छोटा भाई था ये। ओके अब जी ये तस्वीर राहिल शरीफ साहब के साथ, सॉरी कमर बाजवा साहब के साथ, ये मेरे ख्याल में मेरा एक ट्रिप हुआ था जब मैं कोविड के अंदर पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन था, तो मैं फूड ड्राइव कर रहा था पूरे पाकिस्तान में, तो फिर इन्होंने बुलाया था मुझे और सिचुएशन पूछी, शाबाश दी, मुबारकबाद दी कि इतने अरसे से 4 महीने से तुम घर से बाहर इन हालात में निकले हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, तो ये जो बड़े होते हैं उनका बड़ों वाला रोल ही होना चाहिए। इमरान भाई के साथ ये तस्वीर है मेरी, कश्मीर का कोई जलसा था मुजफ्फराबाद में था मेरे ख्याल में, तो इमरान भाई ने मुझे इन्वाइट किया था उसके लिए मैं गया हुआ था जी।
आपने गए थे जलसे में, तकरीर तो नहीं की थी लेकिन? नहीं, तकरीर भी की थी मैंने। तकरीर भी की थी? हाँ, तकरीर भी की थी, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से इमरान भाई और उनकी जो शौकत महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, एंड देन फिर इमरान भाई की जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्पीच थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच थी, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी। तो ये इमरान भाई ने मुझे बुलाया था कि आना है इस जलसे में, तो मैं गया था। तो उस जलसे में आपने स्पीच भी की थी, मगर फिर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दे दी प्राइम मिनिस्टर बनने के। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को तो मैं शुरू से बहुत पसंद करता हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में आप मुझे दिखा दें कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर पूरे पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। पहली बात तो ये कि मैंने किसी इसराइल के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दी, मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोई भी होता मैंने इमरान भाई को दी थी, शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, कोई और होते मैं तब भी मुबारकबाद ही देता। अगर शहबाज शरीफ साहब को मैंने मुबारकबाद दी तो इसके अंदर एक एहतजाज भी था, वो इमरान भाई के साथ मेरा पर्सनल एहतजाज था। क्यों? मैं इमरान भाई के साथ 89-90 के से मैं इमरान भाई को अपने ख्वाबों में देख रहा हूँ, अपना मैं उस तरह बनना चाहता था। पॉलिटिक्स में वो आए तब से मैं उनको सपोर्ट किया, शौकत खानम में मैंने सपोर्ट किया, तो मैं जब तक इनकी हुकूमत थी मैं इमरान भाई के साथ था। लेकिन मैं, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, हम सब की, हम पूरे पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में 2013 में किसी को वोट दिया, तो किसी वजह से बहुत सारे लोगों ने, इमरान भाई की वजह से पढ़ा लिखा तबका बहुत आया कि हमने यार वोट डालने जाना है। लेकिन देखें, इमरान भाई ठीक है, या कहना बुद्ध या कहने पढ़ते हैं, हम भी हर नमाज में पढ़ते हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। अल्लाह ताला ने इमरान खान को दिया और अब ले लिया, इसलिए कि बहुत सारी गलतियाँ इमरान भाई से हुई हैं जिसको उनको मानना चाहिए। अगर वो गलतियों को मानेंगे एंड देन फिर वो एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनके दोबारा वापस आएंगे। मैं हमेशा से इमरान भाई के, उनके विजन ज़बरदस्त, एक लीडर का विजन होता है हमेशा, बड़ा ज़बरदस्त विजन रहा है उनका, लेकिन विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीम चाहिए, तो वो टीम नहीं है उनके पास, वो टीम नहीं, जो लोग थे वो साइड पर हो गए। क्यों साइड पर हो गए? इमरान भाई से ऐसी क्या गलतियाँ हुई हैं जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वो बेहतर करके, मैं समझता हूँ कि ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए सवेरा उनको। ग्राउंड क्या है उनका? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब है आपने ग्राउंड छोड़ दिया, फिर दोबारा कंटेनरों पे, दोबारा सड़कों पे दोबारा क्यों आ रहे हो आप यार? आपके पास ग्राउंड है इमरान भाई, आपके पास ग्राउंड है पार्लियामेंट, आप वहां पर रह के काम करें। कहा है जो भी है, लेकिन इस तरह, इसलिए कि अगर आप देखें तो इमरान भाई को पूरी दुनिया में बड़ा सपोर्ट मिला है, बड़ा रिस्पॉन्स मिला है इमरान भाई को माशाल्लाह। अच्छा, ईद के हवाले से ये मैसेज दूंगा कि जितना हो सके ये इन 3 दिनों को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, घूमें फिरें, अपने रिश्तेदारों में ख़ास तौर पे, इसलिए कि रिश्तों को जोड़ा जाता है एक दूसरे के पास आने जाने से, और रिश्तों की मजबूती जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे लोगों के पास भी जाएं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनको मुबारकबाद देने वाला, जाएँ छोटे मोटे गिफ्ट ले के जाएँ, ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े तोहफे ले के जाएँ, छोटा सा ले के जाएँ, दिल से लेके जाएं और उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करें। यही मैसेज है मेरा। बिल्कुल जी, और गेम सेट मैच की पूरी टीम की तरफ से आप लोग सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। हमें तो बहुत मजा आया, हमारे ईद का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा विद दिस नोट। एब्सोल्युटली जी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स के साथ स्टूडियो में, अब हम स्टूडियो में किसी और घर नहीं जा रहे, इंशाल्लाह स्टूडियो से आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी गेम सेट मैच। तब तक के लिए मगर ये ईद डे फर्स्ट डे के बाद दूसरा दिन भी होता है, दूसरे दिन का सरप्राइज भी बाकी है आप लोगों के लिए। सो दूसरे दिन के लिए भी आपने ट्यून इन करना है गेम सेट मैच, और सरप्राइज आपको मिलेगा। विद दिस नोट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।